हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा प्लस में आपका स्वागत है। आज हम आपके जो सामने रीजनिंग का जो सेक्शन है उसको डिस्कस करेंगे। जो यूपी ट्रिपलसी लोअर टू का जो पेपर हुआ है 28 तारीख को, उसके जितने भी क्वेश्चन आए हैं, किस किस पोर्शन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से टॉपिक को टच किया गया है। जैसे मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि आपके जो टॉपिक हैं कि इससे इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछता है, इस टॉपिक से इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन, हूबहू ऐसे ही आया है। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 25 थे, तो कुछ पोर्शन से नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कम हो गए हैं। तो देखते हैं कि किस किस पोर्शन से आपके किस किस टाइप के, कितने टाइप के क्वेश्चन उसने उठाया है। जैसे आप देखेंगे कि सीरीज से, रीजनिंग में जो सीरीज है उससे जो है वो टोटल 4 क्वेश्चन निकाला है, जिसमें से एक नंबर सीरीज है, बाकी एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है और बाकी अल्फाबेटिक सीरीज है। इससे 4 क्वेश्चन आपके मिलेंगे। अगला जो है आपका ये मिरर इमेज से एक क्वेश्चन उठाया है, ठीक। उसके बाद से आपका कोडिंग डिकोडिंग से 4 क्वेश्चन। इससे हमेशा हर एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो 50 का हो चाहे आपके 25 का। इससे 4 क्वेश्चन आए। उसके बाद से ब्लड रिलेशन से 4 क्वेश्चन, डिस्टेंस डायरेक्शन से आपके एक क्वेश्चन उठाया है। बाकी अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते तो अगर यही आपका कुल मिला के इससे 4 या 5 क्वेश्चन बन जाते डिस्टेंस डायरेक्शन से। उसके बाद से एक वेन डायग्राम से क्वेश्चन उठाया है, और देख लेते हैं एक सिलॉक्स का क्वेश्चन है, 25 नंबर था तो इस एक पूछा है। उसके बाद से आपका डिस्टेंस डायरेक्शन का एक हो गया, फिगर सीरीज से पूछा है, फिगर सीरीज से एक क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन से आपका एक क्वेश्चन है, फिगर का जो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है उससे एक क्वेश्चन दिया गया है, और स्टेटमेंट और आर्गुमेंट से रिलेटेड, स्टेटमेंट और आर्गुमेंट से रिलेटेड आपके सामने 3 क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है आपसे यूपी ट्रिपलसी लोअर टू का। उसके बाद से ये आपका हो गया डिस्टेंस डायरेक्शन हो गया, मिरर इमेज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, और एक क्वेश्चन आपका डाइस से पूछा है, ठीक, क्लोज डाइस से एक क्वेश्चन पूछा है, और 2 क्वेश्चन आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 क्वेश्चन पूछे हैं। तो ओवरऑल ये आपके 25 क्वेश्चन जो आए हैं उसके हो गए कि किस किस टॉपिक को उसने कवर किया। ऑलमोस्ट जो जो मेन टॉपिक है आपके रीजनिंग में उसको पूरा उसने कवर किया। वही आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर लोअर वन में अगर ज्यादा होते हैं, लोअर जो होने वाला है अभी सितंबर में आपके, अगर उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते तो टॉपिक आपके यही रहेंगे, क्वेश्चन नंबर सब बढ़ जाएंगे। तो अभी जो लोअर टू का है उसके जो 28 तारीख को पेपर हुआ है, जो पेपर कोड AF है रीजनिंग का, उसे हम सॉल्यूशन देखते हैं। उस AF कोड में सबसे पहले रीजनिंग की शुरुआत हुई है। चलिए पहला क्वेश्चन ही आपका जो है नंबर उसे अल्फाबेट सीरीज से है, अल्फाबेट सीरीज है, आसान सा आया है पेपर, काफी आसान आया है, ADG, फिर अगला है GJM, अगला है MPS। अब अगला पूछ रहा है आपसे कि क्या होगा इस सीरीज में, तो आप देखिए यू से एक्स, यू किस पे होता है 21 पे, एक्स कितने पे होता है 24 पे, कितने का डिफरेंस है +3 का। उसी के बाद जैसे ये जिस पे खत्म हो रहा है अगला लेटर उसी से शुरू हो रहा है, सब में देखिए ये कॉमन मिल रहा है आपका, ठीक। और हर में ए से डी, ए आता है 1 पे और डी आता है आपका 4 पे, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हुआ +3, तो ++3 का आपका गैप है। तो जिससे ये खत्म होगा उसी से शुरू होगा, तो एस होगा पहला लेटर +3, 19 में 3 ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा वी 22। अगला क्या हो जाएगा इसमें फिर +3 करोगे 25, तो वाई, तो एस वी वाई जो होगा वो आंसर होगा इसका, जो ऑप्शन आपका सी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो भी सीरीज से है मगर वो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। चलिए अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में AB2DE20, फिर आपका क्वेश्चन मार्क JK110, फिर MN182। आप तुरंत देखिए सीरीज कैसे यहां पे 2 आया, किस हिसाब से आ सकता है। देखिए इसकी नंबरिंग 1, इसकी नंबरिंग 2, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तभी यहां पे 2 आएगा, अगर प्लस करोगे तो 3 आएगा। तो इसका मतलब जो ये नंबर लिखा गया है मल्टीप्लीकेशन से लिखा गया है, जैसे यहां पे देखें 4 और ये 5 20, तो तुरंत आप पता कर लो कि यहां पे क्या होगा। तो ए बी सी छूटा है, यहां पे स्किप हुआ है, फिर डी ई आया है, तो एफ छूटेगा, स्किप होगा आपका, और एफ छूटेगा तो क्या आपका जी एच, जी 7 पे आता है और एच जो है 8 पे आता है, तो 8 7 56, तो इसका आंसर हो जाएगा GH 56, जो आपके ऑप्शन में सी दिया हुआ है,
ठीक, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो सीरीज का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, 27, 28, 37, 62, 11, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब इसमें देखिए 27 से 28 कितने का गैप, 1 का गैप, 28 से 37 कितने का गैप, 3 स्क्वायर मतलब 9 का गैप। अब जो इसमें जो गैप चल रहा है वह स्क्वायर पे चल रहा है, एक का स्क्वायर, फिर इनमें जो गैप चल रहा है इसमें 5 का स्क्वायर का चल रहा है। अगला वाला जो गैप चलेगा वो कितने का चलेगा, 7 का चलेगा। इससे अगला वाला चलेगा वो कितने का चलेगा, जितने भी ऑड नंबर है 1, 3, 5, 7 फिर 9 का स्क्वायर। ठीक, तो 81, 111 में 81 जोड़ दो कितना आएगा, 2, 192। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो भी सी होगा इसमें। तो शुरुआत के तो सी, अगर कोई तुक्का भी मार दिए होगे तो शुरू के 3 क्वेश्चन वो सही हो जाएंगे। ठीक, तो 192। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। पूरे रीजनिंग में सबसे आसान चैप्टर होता है, इसमें कुछ करना नहीं होता, कोई ट्रिक नहीं होती है, जैसे इसमें बोला जाता है वैसे आप चेंज कर दीजिए। 15 + 6 × 40 / 2 = 43, इस टाइप का क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से ही करते हैं। अब आपको दिया है कि किस किस साइन को चेंज किया जाए, किस नंबर को चेंज किया जाए कि आपको ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद 43 आ जाए। तो आपका जो ऑप्शन डी होगा इसमें, उसमें जो आपको दिया गया है कि प्लस और माइनस को चेंज करने पे और 4 और 10 को चेंज करने पे, ठीक, मतलब प्लस की जगह पे माइनस कर दें और 4 की जगह पे 10 और 10 की जगह पे 4 कर दें, इन पोजीशन को एक्सचेंज कर दें आपस में, तब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 43 आएगा। चलिए करके देखते हैं। 40 प्लस, जहां माइनस होगा वहां प्लस कर देंगे और 4 की जगह पे 40 कर देंगे, ये 10 नहीं है 40 होगा, 4 की जगह पे 40 से रिप्लेस करना है। तो यहां 40 हो जाएगा, प्लस माइनस की जगह प्लस कर देंगे 15 और प्लस की जगह माइनस कर देंगे 6 इंटू 40 की जगह आपका 4 कर देंगे, 4 से रिप्लेस करना है, फिर डिवाइडेड बाय 2। अब इसे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 40 + 15 - 6, यहां से हो जाएगा 2। ठीक, यहां 40 + 15 - 12, तो यहां से आपका बचेगा 40 + 3, तो ये आ जाएगा 43, तो वही हमें चाहिए था। तो ये हमारा ऑप्शन डी जो होगा सेटिस्फाई करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो मिरर इमेज से क्वेश्चन था, ये भी आसान क्वेश्चन था। मिरर इमेज के लिए मैंने बताया है कि जैसे ही आपको पेपर मिलता है एग्जाम में, जो भी लिखा हो, जो भी हो, उसको बस लिख लीजिए गाढ़े पेन से, SUBTROPICAL, और पेपर को उल्टा करके देख लीजिए, आपका मिरर इमेज निकल आएगा। तो इसका जो मिरर इमेज होगा सब टॉपिकल का वो ये होगा, ऐसे बनेगा SUBTROPICAL, कुछ ऐसे बनेगा। तो ये ऑप्शन आपका जो है उसमें डी है। इसे आसान होता है, जैसे जितने भी क्वेश्चन आए मिरर इमेज के, आप जो भी लिखा हो उसको गाढ़े पेन से लिख लीजिए और उसको उल्टा करके पेपर में देख लो, सेम टू सेम मिरर इमेज आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, छठवें नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन जो है कोडिंग डिकोडिंग से था, वो भी बहुत आसान था, एकदम सिंपल था, ऐसा कुछ नहीं था कि आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़े। MYSTICAL, अब इसे कोड किया गया था 13251920939312। अब देखो M कितने पे आता है, 13 पे, Y कितने पे आता है, 25 पे, S कितने पे आता है, 19 पे, T 20 पे, I 9 पे, C 3 पे, जो पोजीशन है अल्फाबेट्स में वही उसकी लिख दी गई है। तो आपको अगला जो पूछा है क्वेश्चन में, वो पूछा है DUMBBBEL, इसका क्या होगा। तो इसका कोड जानते हो, 4, U किस पे होता है 21, M 13, B होता है 2, 2, 5, 12, 12, तो ये ऑप्शन आपका कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखेगा पूरा क्वेश्चन का पीडीएफ, उसमें आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि आदित्य की ओर इशारा करते हुए एक लड़की है कोई, इसिता, पूरा क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा, पूरा क्वेश्चन आपको पीडीएफ में दिखेगा।
बोला है कि आदित्य क्या एक फोटो है, उसपे सीता बोल रही है कि उसके पिता की पत्नी, ये हो गया आदित्य, एक लड़की सीता है, वो आदित्य को बोल रही कि उसके पिता, मतलब आदित्य के जो पिता है मतलब फादर है, ठीक, उनकी पत्नी मतलब आदित्य की मदर हुई, ठीक, उनकी इकलौती बेटी, इनकी इकलौती कोई बेटी है, उसका एकमात्र भाई मतलब कौन, आदित्य, ठीक, वो किसका पिता है, विराज का पिता है, जो इसकी बेटी है उसका इकलौता भाई वो किसका पिता है, वो विराज का पिता है, ठीक, एक विराज है लड़का, उसका जो है पिता है। तो पूछा है आपसे कि आदित्य और विराज में क्या रिलेशन है, तो आप देख रहे हो आदित्य जो है विराज का क्या है, पिता है, तो ऑप्शन ए जो होगा इसका आंसर सही होगा, ठीक। तो ये आपका बनेगा डायग्राम, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन फिर से आपका सीरीज का है, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8, ये भी सीरीज है, यू जेड ई एस डब्ल्यू ए क्यू टी डब्ल्यू क्वेश्चन मार्क एम एन ओ, इसे ऑप्शन से करेंगे, इसमें पहले देख लेते हैं चल क्या रहा है, इसमें जो चल रहा है देखो यहां से U से Z कितने का अंतर है, अब U से Z जाए तो हम ये 21 पे होता है ये 26 पे होता है तो प्लस 4, ठीक, एक प्लस 5 सॉरी प्लस 5 करेंगे तो यहां पे 26 आ जाएगा, फिर 26 पे प्लस 5 करेंगे तो E पे पहुंच जाएंगे, ऐसे ये 19 है ये आपका 23 है, इसमें कितने का चला प्लस 4 का, 23 से 1 पे जाएंगे तो फिर प्लस 4 का चलेगा, फिर इसमें चलेगा प्लस 3 का, इसमें भी चलो इसमें भी जो चल रहा है वो भी प्लस 3 का चल रहा है, तो अगले वाले में कितना जाना चाहिए प्लस 2, प्लस 2 का जाना चाहिए, देखो इसमें प्लस 1 का चल रहा है, ये 13 पे होता है एक 14 पे होता है 15, इसमें सब में प्लस 1 चल रहा है, मतलब जो ये क्वेश्चन मार्क वाला है वो प्लस 2 के गैप पे होना चाहिए। तो जब हम ऑप्शन से इसके गो थ्रू जाएंगे तो हमारा जो पहला ऑप्शन है इसका ओ क्यू एस यही मिलेगा, क्योंकि बाकी में नहीं मिल रहा है, प्लस 2 पे है क्योंकि ये होता है 15 पे या 17 पे और ये 19 पे, तो 17 2 19, तो ये होगा आपका आंसर, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर से मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, 15 प्लस 5 इंटू 6 माइनस 30 इक्वल टू 13। अब इसमें फिर से बोल रहा है कि आपको साइन चेंज करना है, ऑप्शन में दिया हुआ है, बोला है कि कौन सा साइन चेंज हो कि आपका सॉल्व करने पे 13 आ जाए, तो इसमें जो ऑप्शन से आप करोगे तो ऑप्शन सी में जो साइन दिया गया है कि डिवाइड की जगह डिवाइड को माइनस से चेंज कर दिया जाए और 6 को 5 से चेंज कर दिया जाए, मतलब नंबर में भी चेंज होगा और आपके जो साइन है मैथमेटिकल के वो भी चेंज होंगे, तो 6 को 5 से एक्सचेंज करना है और डिवाइड को माइनस से एक्सचेंज करना है, तो जहां जहां होगा जैसे ये 15 है प्लस 5 को किससे एक्सचेंज करना है 6 से इनटू और 6 को 5 से, तो 6 एक्सचेंज हो गया यहाँ पे, फिर जहां माइनस है वहां डिवाइड कर देंगे डिवाइड 30 और जहां डिवाइड है वहां क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अब इसे सॉल्व करो, तो पहले डिवाइड को सॉल्व करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 5/30 मतलब 1/6, ठीक, और यहां पे हो जाएगा आपका माइनस 3, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो यहां बचेगा 15 प्लस 1 माइनस 3, तो यहां से कितना आएगा 15 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा ये 13, यही चाहिए था हमें, तो ये ऑप्शन सी आपका सेटिस्फाई करेगा। अगले तरफ आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है डाटा सफिशियंसी विद ब्लड रिलेशन, मतलब आपसे डाटा सफिशियंसी एक चैप्टर होता है रीजनिंग में, उसमें सभी टॉपिक कवर कर दिए जाते हैं, तो उसी तरह ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा है, इसमें पूछ रहा है पहले क्वेश्चन ये है कि विशाल अमीमा से किस प्रकार संबंधित है, पहला स्टेटमेंट दिया है उसमें, ठीक है, स्टेटमेंट बोल रहा है कि विशाल आरोही का भाई है जो कृतिका की पुत्री है, आप डायग्राम बना लो पहले स्टेटमेंट से, तो पहला स्टेटमेंट आपसे बोल रहा है कि विशाल जो है वो किसका भाई है आरोही का भाई है, आरोही का भाई है विशाल, उसके बाद से का भाई जो कृतिका की पुत्री है, ये आरोही किसकी पुत्री है कृतिका की, पहला ये हो गया। दूसरे स्टेटमेंट में अभी भी इससे क्वेश्चन में जो पूछा गया इससे पता नहीं चल रहा, क्योंकि पूछा है विशाल और अमीमा से, विशाल और अमीमा, यहां अमीमा का भी जिक्र नहीं हुआ है, ये जो है वो आरोही है, ठीक,
ठीक, आरोही है ये, अमीमा अभी आई नहीं है। स्टेटमेंट टू पे चलते हैं। स्टेटमेंट टू क्या बोल रहा है आपसे, इसमें बोल रहा है कृतिका अमर की पुत्री है। इसमें एक और जोड़ दिया कि मान लो वी ए, ये तो था ही, अब इसके साथ ये बता, इसमें जोड़ दिया कि जो कृतिका है वो अमर की पुत्री है, तो इससे भी हमें आंसर नहीं मिला। हमें तो चाहिए विशाल और अमीमा के बारे में, तो अमीमा अभी भी नहीं आई है। स्टेटमेंट थ्री पे चलते हैं। जो तीसरा स्टेटमेंट है इसमें बोल रहा है कि जो अमीमा है वो कृतिका की पुत्री है, मतलब जो कृतिका की जो पुत्री है वो कौन है, अमीमा है। तो यहाँ पे अमीमा एक और हो जाएगी, और अमीमा और ये जो है आरोही, ये दोनों बहन हो जाएंगी, और आरोही का भाई कौन है, एक विशाल है, ठीक। तो इससे ये बन गया, मतलब हम पहला स्टेटमेंट लें और थर्ड स्टेटमेंट लें तभी हमें, क्योंकि पहले से विशाल मिलेगा और कृतिका का मिलेगा रिलेशन, और थर्ड वाले से हमें अमीमा और कृतिका के बीच में रिलेशन मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं पहला स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट थर्ड जो है सफिशियंट है आंसर देने के लिए, ठीक। अब अगली तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका फिगर से है, आपको क्वेश्चन पे दिखेगा फिगर, जिसमें फिगर सीरीज बोलते हैं आप, जैसे कि आपको फिगर कंप्लीट करना होगा सीरीज देके, तो उसका जो आंसर होगा आपका वो होगा सी, 11 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है वो क्लासिफिकेशन से, वो भी फिगर क्लासिफिकेशन से, उसका आपका आंसर होगा डी। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, वो भी फिगर से है, ऑड वन आउट, उसमें फिगर को ऑड वन आउट बताना है, तो उसमें भी आपका आंसर होगा डी, क्योंकि जो लास्ट का आपका फिगर होगा उसमें देखिएगा, जब क्वेश्चन आपको पीडीएफ दिखाई जाएगी तो उसमें जो डिवाइड हुआ है फिगर में, सभी में फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है, मगर उस वाले पार्ट में जो है फोर इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड हुआ, कुछ ऐसे डिवाइड हुआ है, इक्वल पार्ट में नहीं हुए, तो इसलिए ऑड वन आउट हो जाएगा ये। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपका वेन डायग्राम से क्वेश्चन आया था, वेन डायग्राम से क्वेश्चन आया था। इसमें एक हेक्सागन था, ट्रायंगल था, जो आपका हेक्सागन है वो किसको दर्शा रहा था, पुलिस को दर्शा रहा था, और जो ट्रायंगल है आपका वो दर्शा रहा है फादर को, और जो स्क्वायर है वो दर्शा रहा है एथलीट्स को, ठीक, और सर्किल जो है आपका वो दर्शा रहा है ग्रेजुएट को। तो क्वेश्चन आपसे कुछ पूछा था ऐसा कि ऐसे ग्रेजुएट पुलिस ऑफिसर बताइए जो फादर हो बट एथलीट्स ना हो, तो उस में जब आप फिगर में देखोगे क्वेश्चन में, तो 19 एक ऐसा आ रहा था जो तीनों में कॉमन हो रहा था, बाकी एथलीट्स नहीं हो रहा था, तो आपका आंसर जो होगा 19 जो ऑप्शन आपका पेपर में दिया होगा देख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो डाइस से क्वेश्चन आया था, ठीक, एक डाइस बनाई हुई थी, क्लोज डाइस, कुछ इस टाइप का फिगर था, देख लीजिए यहां पे 5 है, 6 है, 2 है, अगली डाइस है 5 4 3, अगला है आपका 4 2 1, ठीक। अब इसमें पूछ रहा है वन के अपोजिट में क्या होगा, तो आप सभी लोग डाइस के जो लेक्चर है उसमें देखिएगा, मैंने आपके पूरे डाइस के कॉन्सेप्ट बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम क्या करते हैं, किसी दो डाइस को पकड़ते हैं जिसमें आपके एक ही जो है आपका नंबर जो है कॉमन हो, जैसे 2 और 2, ये क्या है आपका कॉमन मिल गया इन दोनों में, तो उससे क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चलते हैं, घड़ी की दिशा में, तो पहले वाले इस डाइस में चलेंगे और लास्ट थर्ड वाले में चलेंगे, 2 6 5, और थर्ड वाले में चलें क्लॉक वाइज तो 2 4 1, तो वन के अपोजिट में पूछा था, ये सब पेयर अपोजिट होते हैं, तो वन के अपोजिट में क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन सी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ही ये था, 14 वाला आपका वेन डायग्राम था, 15 नंबर डाइस का क्वेश्चन था, और 16 नंबर था डिस्टेंस डायरेक्शन का, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था डिस्टेंस डायरेक्शन का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है। प्रतीक जो है अपने घर से, एक लड़का प्रतीक है कोई, ठीक, मान लीजिए प्रतीक का घर है कहीं पे, यहां पे, यहां से वो चलना स्टार्ट करता है, ठीक, अपने घर से, वो बोला प्रतीक अपने घर से नॉर्थ ईस्ट में 40
मीटर चलता है। नॉर्थ ईस्ट आपका ये डायरेक्शन, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो नॉर्थ ईस्ट आपका ये वाला डायरेक्शन होता है, इसमें वो 40 मीटर चला। ठीक, 40 मीटर चलने के बाद फिर से वो अपने बाएं मुड़ जाता है। बाएं मतलब कि 90 डिग्री वो एंटी क्लॉकवाइज में मुड़ेगा। तो यहां से फिर से वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा तो किस डायरेक्शन में मुड़ेगा? तो वो फिर से नॉर्थ वेस्ट की तरफ मुड़ेगा और कितना चलता है? 30 मीटर चलता है। ठीक, जब यहां पहुंचता है तो बोला जाता है उससे फिर से वो अपने बाएं मुड़ जाता है। जब फिर से बाएं मुड़ेगा तो वो चलने वाले डायरेक्शन से फिर से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री मुड़ेगा। तो अब वो किस डायरेक्शन में मुड़ेगा? अब वो इस डायरेक्शन में मुड़ेगा। कौन से डायरेक्शन में? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, मतलब जितना डिस्टेंस ये नीचे वाला है उतना ही वो चलता है। रेक्टेंगुलर पाथ बनेगा एक। ठीक है, ये 40 चला, फिर यहां आया। यहां आने के बाद फिर बोला जाता है कि वो अपने लेफ्ट मुड़ जाता है, मतलब फिर से बाईं तरफ मुड़ता है। तो फिर से वो बाईं तरफ मुड़ेगा तो फिर से वो किस डायरेक्शन में चलेगा? अब यहां से वो आपका साउथ ईस्ट में चलेगा। साउथ ईस्ट में वो 60 मीटर चलता है, मतलब ये टोटल डिस्टेंस आपका 60 मीटर दिया हुआ है। तो 30 तो ये हो जाएगा इतना एक रेक्टेंगुलर शेप में और 30 इतना ये बचा हुआ हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन से, मैं आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि जो प्रतीक है वो घर से किस दिशा में और कितनी दूरी पे है। तो अब वो इस टाइम यहां पे है, तो इसका घर यहां पे, वहां से वो किस दिशा में है? आप देख रहे हो ये साउथ है, तो ये वाली दिशा क्या होती है? साउथ ईस्ट होती है। तो 30 मीटर साउथ ईस्ट में है, ये होगा आंसर आपका। ठीक, आंसर जो सी होगा आपका ऑप्शन। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो आपका उससे है, स्टेटमेंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो होगा बी होगा, क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वो ए होगा, और 19 का जो आंसर होगा वो डी होगा। ये स्टेटमेंट है, आप पढ़िएगा, उसे समझिएगा। आसान से स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनके जो है आपके आंसर होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 फिर से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, 20वां नंबर क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग। आसान सा ये भी क्वेश्चन है, इसमें है डायमंड। डायमंड को लिखा गया है ई आई बी एम पी एन ई एस। ठीक, तो अब इसे कोड कैसे किया है देखिए। ये लेटर तो सेम दिख रहा है हमें, ये लेटर यहां सेम दिख रहा है, यहां ये लेटर सेम दिख रहा है, यहां लास्ट लेटर सेम दिख रहा है। ठीक, जैसे मतलब ऊपर हो वैसे वैसे सेम है, बस चेंज किसमें हुआ? इसमें हुआ है। तो अगर ये चार पे आता है तो ये कितने से चेंज हुआ? एक से चेंज हुआ। ये एक पे आता है तो ये दो पे आता है बी, ये भी एक से चेंज हुआ, ये भी एक से चेंज हुआ, ये भी आपका एक से चेंज हुआ। ठीक, तो पहले प्लस वन फिर जीरो का है इंक्रीमेंट, हूबहू ऐसे ही उतर आया। तो वैसे ही आपका आंसर होगा जो पूछा है आपसे कि प्लेटिनम का कोड क्या होगा, प्लेटिनम का कोड क्या होगा। तो पहले में एक बढ़ेगा पी प्लस वन, तो कहां जाएगा? पी के बाद क्या आएगा? क्यू। एल आपका वैसे वैसे उतर आएगा, फिर ए से बी पे जाओगे प्लस वन, और टी से क्या करोगे? वैसे सेम आ जाओगे, फिर आई से जे प्लस वन, एन वैसे उतर जाएगा, और यू से वी प्लस वन, और एम आपका वैसे आ जाएगा। तो क्यू एल बी टी जे एन वी एम आपका ऑप्शन डी जो होगा वो आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो भी कोडिंग डिकोडिंग का है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में एम ई ए जी आर ई ये दिया हुआ है, और कोड कर दिया गया है आपका जी टी आई सी जी ओ। अब इसमें देखेंगे तो पहले नंबरिंग कर लेते हैं, कोडिंग डिकोडिंग में तो यही होता है, पहले हम नंबर कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन आसपास मिल रहा है। जैसे 13 5 1 7 18 5, ये 7 20 9 3 7 15। ठीक है, ये कोडिंग हो गया। आसपास देखिए, ये 5 से मिलता जुलता था 7 है, ये टी है 8 से मिलता जुलता है, ये आसपास 1-2 के अंतर में, तो वही कोडिंग हुआ है। ई से जी कितने का प्लस हुआ? 2 का प्लस। आर से टी कितने का प्लस हुआ? 2 का प्लस। जी से आई कितने का प्लस हुआ? 2 का।
ए से सी प्लस टू, फिर ई से जी प्लस टू, एम से ओ प्लस टू, तो सब में प्लस टू रिवर्स ऑर्डर में हुआ है। तो ऐसे ही हमें अगर निकालना है तो क्वेश्चन आपका दिया एल ए वी आई एस एच, तो आंसर क्या होगा आपका, यहां से पहले चलोगे प्लस टू तो आठ, नंबरिंग कर लो बारह एक बाईस नौ उन्नीस आठ, आठ दो दस मतलब जे, उसके बाद से एस प्लस दो उन्नीस में दो बीस इक्कीस यू, अगला जो आपका आई, आई पे प्लस दो नौ के बाद दस ग्यारह मतलब ग्यारह पे क्या आएगा के, बाईस प्लस दो चौबीस, चौबीस पे आता है एक्स, फिर ए पे प्लस दो इस पे क्या जाए, ए पे प्लस दो मतलब सी सीधे तीन पे, और बारह पे प्लस दो तो बारह दो चौदह, चौदह पे आपका क्या आता है एन, तो आपका आंसर होगा जे यू के एक्स सी एन, ऑप्शन जो होगा वो डी होगा आपका ये। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 भी आपका कोडिंग डिकोडिंग से ही है, कोडिंग डिकोडिंग के चार क्वेश्चन पूछे हैं, मतलब जो कोडिंग डिकोडिंग एकदम आसान आसान आया है कोई छोड़ना नहीं चाहिए इसको। ठीक, अब इससे आसान क्वेश्चन तो कभी नहीं बन सकता है कोडिंग डिकोडिंग का, टिशू, इसमें दिया है टी आई डबल एस यू ई, अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी ने कराया, चाहे वो मंडी परिषद का हो, चाहे वीडियो का हो, चाहे हुआ कल्याण का हो, उसमें से सबसे आसान जो है पेपर आपका लोअर टू का आया है। ठीक, टिशू में 93 बोला है, मतलब इसकी अगर नंबरिंग कर दे तो ये 20 पे, ये 9 पे, ये 19 पे, ये 19 पे और 21 पे और ये 5 पे, इन सबका ऐड कर दोगे तो 93 आ जाएगा डायरेक्ट, कोई इसमें इबट नहीं है, कोई ऐसा नहीं हुआ कि इसमें प्लस हुआ हो माइनस हुआ हो। वैसे ही आपको रॉकेट का अगर निकालना है, आर ओ सी के ई टी, इसका पूछा है तो इसकी नंबरिंग 18 15 3 11 5 20 सबको ऐड कर दो तो यह आ जाएगा 72, ये आंसर होगा जो ऑप्शन आपका डी होगा। तो ये हो गया कोडिंग डिकोडिंग के 22 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, ये कोडेड ब्लड रिलेशन से है, आप जैसे देख रहे हो यूपी ट्रिपल एससी लगातार हर एग्जाम में, चाहे वो मंडी परिषद हो, युवा कल्याण हो और चाहे वीडियो, कोडिंग डिकोड कोडेड ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन उठाता है, एक दो क्वेश्चन आपके सिंपल तो होते ही हैं, जो मैंने आपको ब्लड रिलेशन पढ़ाया है पॉइंटिंग फॉर्म, ठीक, उसके बाद से पजल फॉर्म, उससे एक क्वेश्चन, और लास्ट में जो पढ़ाया था कोडेड फॉर्म, उससे कोडेड फॉर्म से एक या दो क्वेश्चन वो देता ही, अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास ज्यादा है तो कोडेड के क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे, अभी नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कम थे तो कोडेड का एक क्वेश्चन डाला था, इसमें बताया था कि प्लस का मतलब होता है डॉटर, आपका पूरा इंस्ट्रक्शन दिया है कि ए प्लस बी दिया होगा, उसमें लिखा होगा कि ए डॉटर है बी का, वैसे माइनस का मतलब वाइफ और इनटू का मतलब हस्बैंड, 23 नंबर क्वेश्चन है ये, और डिवाइड का मतलब दिया है फादर। आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ था पी वी प्लस पी इंटू आर प्लस क्यू माइनस एस डिवाइडेड बाई यू इंटू टी, अब इसे बताना था आपको कि ऑप्शन में दिया कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो रिलेशन बैठेगा तो उस ऑप्शन से चेक करना है कि कौन सा रिलेशन आपका नहीं होगा, होने का नहीं आया था कौन सा रिलेशन नहीं होगा, तो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करें तो देखिए इक्वेशन में बोल रहा है कि वी प्लस पी, प्लस का मतलब डॉटर होता है तो v पहला वाला डॉटर होगा, जैसे इसमें लिखा रहता है a प्लस बी, ए डॉटर है b का, तो वैसे ही v जो है डॉटर होगी किसकी, p की, p की डॉटर v होगी। अगला है आपका p इंटू आर, तो p जो है हस्बैंड है a इंटू बी, a माइनस बी, a डिवाइडेड बाय b, तो a हस्बैंड है b का, उसी हिसाब से p जो होगा वो किसका हस्बैंड होगा, आर का, आर का हस्बैंड होगा। अगला जो है आपका प्लस लगा है, प्लस साइन क्या है, डॉटर को फिर से बताता है, तो आर जो है किसकी डॉटर है, क्यू की, आर जो क्यू की डॉटर होगी, ठीक, और क्यू माइनस एस, माइनस का मतलब वाइफ, क्यू माइनस है किसकी, वाइफ कितनी किसकी है, एस की, ये प्लस हो जाएगा। अगला क्या बोला जा रहा है कि डिवाइडेड बाय यू,
डिवाइडेड बाई यू, एस डिवाइडेड बाई यू, तो डिवाइडेड का मतलब कि एस जो है। अगला बोल रहा है कि यू इंटू टी, यू इंटू टी का मतलब ए बी का हस्बैंड है, तो वैसे यू जो होगा टी का हस्बैंड होगा, तो यू जो होगा अगर टी का हस्बैंड है तो टी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो आपका कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, ये देख लीजिए, और उसके बाद से आपका ऑप्शन पढ़ो। पहला ऑप्शन दिया है ए, आर वी की माँ है, आर जो है वी की माँ है, साफ साफ दिख रहा है, तो ये तो होगा ही। आपसे पूछा कि कौन सा रिलेशन इसमें गलत होगा, पहला ऑप्शन ऐसा होगा नहीं आंसर। ऑप्शन बी, यू आर का भाई है, देखो ये दोनों एक ही, सभी एक ही जनरेशन है, तो यू आर का भाई होगा, ये भी सही है। एस वी का दादा है, बोला कि एस जो है वो वी का दादा है, एक जनरेशन ये दूसरी जनरेशन, दूसरी जनरेशन में आपका दादा दादी नाना नानी ये आते हैं, तो यहां देखें तो ये पैटर्नल नहीं है, इसका अगर होता तब वो दादा होता, अभी वो नाना है। एस जो है वो वी का क्या है, नाना है, तो इसलिए जो ये रिलेशन दिया है दादा वाला, ये नहीं होगा आपका। ऑप्शन सी जो होगा ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 था, अब 24 की तरफ बढ़ते हैं। यह भी ब्लड रिलेशन से है 24 भी, देखते हैं 24 में क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, आप स्क्रीन पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 बोला है विश्वास के पिता का इकलौता बेटा, कोई एक विश्वास है, ठीक, विश्वास के पिता का इकलौता बेटा, इनका एक पिता है, इनका इकलौता बेटा, विश्वास के पिता का इकलौता बेटा कृतिका का पति है। जो विश्वास के पिता का इकलौता बेटा है, ये मतलब खुद विश्वास, वो किसका पति है, कृतिका का, ठीक। अगला जो बोल रहा है आपसे क्वेश्चन में फिर से कि अंशुला की शादी विवेक के इकलौते भाई से हुई है, अभी इसमें रिलेशन नहीं बन पाएगा क्योंकि अंशुला यहां कहीं दिख नहीं रही है। अगला फिर से अगली लाइन पढ़ते हैं, इसमें बोल रहा है कि विश्वास अंशुला का बेटा है, जो विश्वास है वो किसका बेटा है, अंशुला का, तो इसका मतलब यहां होगी अंशुला, ठीक, उसका बेटा कौन है, विश्वास है, विश्वास अंशुला का बेटा है। अब अंशुला मिल गई, तो हम सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है आपका, अंशुला की शादी विवेक के इकलौते भाई से हुई है, तो विवेक के इकलौते भाई से हुई है, मतलब यहां कहीं विवेक होगा, विवेक का इकलौता भाई जो इसका पति है वही होगा, ठीक, तभी उसके भाई से हुई होगी उसकी शादी। अगला क्वेश्चन फिर से बोल रहा है स्टेटमेंट, वैभवी कृतिका की बेटी है, वैभवी जो है मतलब इन दोनों से कौन है, वैभवी, ठीक, इसकी बेटी है, माइनस साइन लग जाएगा। अब बोल रहा है इसमें कि राज और विवेक भाई हैं, राज और विवेक भाई हैं, तो विवेक तो ये है, तो इसका मतलब जो विश्वास का पिता है वो कौन होगा, वो राज होगा। अब क्वेश्चन आपसे पूछा है राज का वैभवी से क्या संबंध है, राज का वैभवी से क्या संबंध है, तो राज का वैभवी देखो पहला जनरेशन ये आपका है, ये सेकंड जनरेशन है, और ये थर्ड जनरेशन है, तो थर्ड जनरेशन में ये आपका क्या है, पिता का पिता है, तो पिता का पिता मतलब क्या होते हैं, आपके दादा होते हैं, ठीक, अगर मदर के आपके पापा होते तो क्या होते हैं, नाना होते, तो ये आपका आंसर होगा सी, इसका भी ऑप्शन, तो ये होगा आपका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। अब 25 पे आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 25 है वो सिलॉक्स का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आया था सिलॉक्स से, वो भी आसान था, जो मैंने बताया था आपको कॉन्सेंट्रिक सर्किल वाला ट्रिक, वही उसी के बेस पे आया है क्वेश्चन जो 25 है। सिलॉक्स के लेक्चर आप देखिएगा, उसमें मैंने कॉन्सेंट्रिक सर्किल के बारे में बताया है आप लोगों को। इसमें बोल रहा है कि जितने भी पेंटिंग है, ऑल पेंटिंग्स आर डिजाइन, ग्राफ ये बनेगा आपका, ऑल डिजाइंस आर हाउसेस, पूरे का पूरे जो डिजाइन है वो हाउसेस है, और ऑल हाउसेस आर ऑब्जेक्ट्स, ठीक, ये आपसे क्वेश्चन है, पूरा कॉन्सेंट्रिक सर्किल बन रहा है जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल में आपको बताया हूं कि जब भी
आउटसाइड से इनसाइड कुछ भी बोला जाए आपका कंक्लूजन, तो वो क्या होता है, ऑल का केस हमेशा गलत होता है। ऑल का केस आउटसाइड से इनसाइड में, आउटसाइड से इनसाइड में हमेशा क्या होता है, गलत होता है, और इनसाइड से आउटसाइड में हमेशा आपका सही होता है। तो बस वही है, पहला आपका बोला कि ऑल डिजाइंस आर ऑब्जेक्ट, ऑल डिजाइंस आर ऑब्जेक्ट मतलब कहां से गया, देखो इनसाइड से आउटसाइड गया, तो ऑल का केस पहला आपका जो कंक्लूजन है वो होगा सही होगा। अगला जो कंक्लूजन है वो है सम का, सम हाउस आर पेंटिंग। देखो सम का केस तो मैंने आपको बताया, लेक्चर आप देख लीजिएगा, सम के केस में कॉन्सेंट्रिक सर्किल में चाहे इनसे आउट जाए चाहे आउट से इन जाए दोनों सही होता है, तो सेकेंड वाला तो आपको बिना कुछ सोचे समझे सही मार देना है। थर्ड वाला है आपका कि सम पेंटिंग्स आर नॉट हाउसेस, इसमें आ गया निगेटिव। थर्ड जो कंक्लूजन है वो आपका निगेटिव है। आप देख रहे हो कि हमारा जो स्टेटमेंट दिया है पूरा पॉजिटिव दिया है, तो आपका कंक्लूजन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, मैंने आपको लेक्चर में बताया है, तो ये तो होगा ही नहीं, ये नहीं फॉलो करेगा, तो इसका मतलब पहला और सेकेंड, तो ऑप्शन जो होगा फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो करेगा मतलब अनुसरण करेगा, ऑप्शन जो आपका बी होगा ये आंसर हो गया। तो ये तो आपके टोटल जितने भी 25 क्वेश्चन आए थे उसके सॉल्यूशन हो गए, बाकी आपके मैथ के सॉल्यूशन और जीएस के सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर मिलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।